हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी में सबसे बेहतर कौन है। और फ्रेंड्स, इसके साथ में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा फीस जो है किस में लगता है और सबसे पहले नौकरी जो है किस में मिलती है। और इसके साथ में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि नौकरी के सबसे ज़्यादा अवसर जो है बीएड में होते हैं कि डीएलएड यानी कि बीटीसी में होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम आप लोगों को बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है किसी अदर वीडियोज को नहीं देखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में जो है हम आप लोगों को बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज आप लोगों को बता दें कि बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन और डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि डीएलएड का जो है पहले नाम था बीटीसी और बीटीसी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि प्राथमिक शिक्षा में एक तरह का डिप्लोमा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएड जो है ये आप लोगों का एक डिग्री है और जो डीएलएड यानी कि जो आप लोगों का बीटीसी है ये एक डिप्लोमा है। और फ्रेंड्स, आइए जो है आप लोगों को बता दें इसके कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। तो बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी जो है ये दोनों आप लोगों का दो दो साल का कोर्स होता है। अगर आप बीएड या डीएलएड करेंगे तो आप लोगों को जो है दो साल का समय लगेगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ में आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो है आपका दो सेमेस्टर होगा और सेकंड ईयर में भी आप लोगों का दो सेमेस्टर होगा, यानी कि दो साल में जो है आपके चार सेमेस्टर होते हैं। बीएड में जो है कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर जो है अभी भी ईयरली एग्जाम होते हैं, यानी कि दो साल में जो है केवल दो ही परीक्षाएं आयोजित की जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम जगह ऐसे हैं जहाँ पर जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। आने वाले समय में जो है लगभग सभी कॉलेजों में सेमेस्टर जैसे एग्जाम हो जाएंगे। और अगर मैक्सिमम जगहों पर देखा जाए तो बीएड में जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन दोनों के एडमिशन के बारे में जान लेते हैं कि बीएड या डीएलएड में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो इसके लिए जो है क्या प्रोसेस है। आप लोगों को बता दें कि बीएड में जो है आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन होता है और डीएलएड यानी कि बीटीसी में जो है आप लोगों का एडमिशन मेरिट बेस पर होता है। और आप लोगों को बता दें कि डीएलएड यानी कि बीटीसी में जो आप लोगों का मेरिट है ये 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज होता है इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का डीएलएड यानी कि बीटीसी में एडमिशन होता है। और इसके साथ में जो है आप लोगों को बता दें एससी एसटी और पीएच कैटेगरी वालों को जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है। बता दें कि इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जो है आइए आप लोगों को बता देते हैं। तो बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी में जो है इसके एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन में आप लोगों का 50% से अबव मार्क्स होने ही चाहिए, तभी जो है आप लोगों का इसमें एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देते हैं कि बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी में जो है कोर्स फी क्या होता है। बीएड में जो है गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज के लिए दोनों साल में जो है आप लोगों का फीस 8,000 से लेकर 20,000 रुपये लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ये भी बता दें कि गवर्नमेंट कॉलेजों में जो है फीस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे कि किस गवर्नमेंट कॉलेज का जो है फीस कितना लगता है बीएड में एडमिशन के लिए। कि अगर बीएड में आप लोग प्राइवेट एडमिशन करवाते हैं तो इसमें जो है फर्स्ट ईयर का 51,250 रुपये लगता है और सेकंड ईयर में जो है लगभग 30,000 रुपये लगता है। यहाँ पर जो है हम लोगों ने जान लिया कि बीएड में जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या प्राइवेट कॉलेज के लिए फी कितना लगता है। गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज के लिए जो है दोनों साल का 8,000 से लेकर 20,000 रुपए लगता है और प्राइवेट कॉलेज में जो है 51,250 रुपए फर्स्ट ईयर में लगता है।
लगता है और सेकंड ईयर में जो है 30,000 रुपये लगता है। अगर वहीं बात किया जाए DLED यानी कि BTC में, तो BTC में जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,200 रुपये पर ईयर का लगता है, यानी कि दोनों ईयर का जो है इसमें कोर्स फी लगता है 20,400 रुपये। अगर बात किया जाए प्राइवेट कॉलेज का, तो प्राइवेट कॉलेज में जो है 41,000 रुपये पर ईयर का लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहां पर जो है इसमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है लगभग फर्स्ट ईयर में ही 55,000 रुपये से ज़्यादा ले लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज का काम होता है पैसा कमाना, और देखिए फ्रेंड्स इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है रूल रेगुलेशन होता है। बोलेंगे कि आप लोगों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 2,000 रुपये, परीक्षा फॉर्म का 3,000 रुपये। तो इसी प्रकार से जो है अगर देखा जाए बहुत से प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिसमें अगर आप DLED में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही जो है लगभग 55,000 रुपये से ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर जो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज का फ़ी बताया जा रहा है, ये एक एवरेज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि DLED या BTC में प्राइवेट कॉलेज के लिए फर्स्ट ईयर में 41,000 रुपये लगता है। जो है आप लोगों को बता देते हैं इनके कोर्स ओरिएंटेशन के बारे में। BEd में जो है कोर्स ओरिएंटेशन क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो है आप लोगों का टीचिंग होता है, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या तरीके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है आप लोगों को बताना पड़ता है। और वहीं अगर DLED या BTC की बात किया जाए तो ये जो है ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का जो है आप लोगों को टीचिंग करना पड़ता है। DLED यानी कि BTC में जो है प्राइमरी एजुकेशन को लेकर फोकस्ड होता है। ये जो है आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड मार्क्स इन फाइनल, यानी कि BEd और DLED यानी कि BTC में आप लोगों का रिजल्ट जो लास्ट आता है इसमें कितना परसेंटेज तक उठ सकता है। BEd में जो है लगभग 55 से लेकर 65% तक एवरेज स्कोर आता है, और वहीं अगर DLED या BTC की बात किया जाए तो इसमें जो है लगभग 80 से लेकर 92% आप लोगों का आने का चांसेज रहता है। अगर आप लोग ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो BEd में जो है आप लोगों का 70 से 75% भी आ सकता है, लेकिन ये जो स्कोर आप लोगों को बताया जा रहा है ये एक एवरेज स्कोर बताया जा रहा है। तो BEd में जो है आप लोगों का फाइनल रिजल्ट 55 से लेकर 65% तक आ सकता है, और वहीं DLED या BTC की बात किया जाए तो इसमें जो है लगभग 80 से लेकर 92% आता है। यहाँ पर जो है आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि BEd की तुलना में DLED यानी कि BTC में जो है आप लोगों का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई उठता है, इसीलिए जो है बहुत से लोग DLED यानी कि BTC करते हैं। जो है आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि इनके जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी कि सबसे ज़्यादा नौकरी के अवसर जो हैं किसमें हैं, आइए आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। BEd में जो है आप लोग प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं, यानी कि आप जो है 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए भी टीचर आप लोग बन सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो है इसमें जूनियर टीचर भी बन सकते हैं, यानी कि 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों को जो है आप लोग पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में जो है आप लोग TGT के अकॉर्डिंग भी जो है टीचर बन सकते हैं, यानी कि क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को आप लोग पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में जो है आप लोग PGT का फॉर्म भी भर सकते हैं, जिसमें जो है आप लोग 11 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में जो है NBS यानी कि नवोदय विद्यालय में भी जो है आप लोग टीचर बन सकते हैं, और इसमें जो है आप लोगों को 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और इसके साथ में जो है आप लोग LT ग्रेड का भी नौकरी पा सकते हैं, और इसके साथ में जो है आप लोग KBS का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और इसके साथ में जो है आप लोग DSSB में भी जो है नौकरी पा सकते हैं। और ये जो है ये एक दिल्ली का बोर्ड होता है जो कि वहाँ के टीचर का रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। तो आप लोग जो है BEd करके इन सब चीज़ों में भी जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के साथ में जो है आप लोग अगर BEd किए हुए हैं तो आप लोग ऑफिसर लेवल का भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक वैकेंसी आती है BEO, जिसे जो है UP SSSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी। तो अगर आप लोगों BEd किए हुए हैं तभी जो है आप लोग इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। अगर आप लोग BEd किए हैं तो इतने ज़्यादा चांस जो है आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए बनते हैं। और वहीं अगर बात किया जाए DLED यानी कि अगर आप लोग BTC किए हैं तो इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, जो है आप लोग प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए आप लोग टीचर बन सकते हैं।
और इसके साथ में जो है आप लोग जूनियर टीचर भी बन सकते हैं, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को आप लोग पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में जो है आप लोग KBS यानी कि PRT जिसे बोलते हैं प्राइमरी टीचर के लिए भी जो है आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि BEd और DLED यानी कि BTC की तुलना अगर किया जाए जॉब अपॉर्चुनिटी के मामले में, तो आप लोगों को जो है BEd में काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी के चांस बनते हैं, यानी कि नौकरी के सबसे ज़्यादा अवसर जो है अगर देखा जाए तो BEd में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दें कि सीट्स को लेकर जो है आप लोगों के मन में डाउट रहते हैं, तो इन दोनों में जो है एडमिशन के लिए सीट लगभग सेम आता है, 10-10 हज़ार का जो है सीट दोनों में लगभग आता है एडमिशन के लिए। तो जब भी सीट आएगा तो दोनों में जो है लगभग सेम ही रहता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दें कि केवल आप लोग BEd या DLED करके आप लोगों को जॉब नहीं मिल जाएगी, इसके लिए जो है आप लोगों को टेट, सुपर टेट, सीटेट इस तरह के एग्जाम जो है आप लोगों को क्रैक करना पड़ेगा। फ्यूचर में जो है BEd वालों के लिए आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दें कि फ्यूचर में जो है इसके लिए आप लोगों को डेट भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ये मुद्दा हाई कोर्ट में चल रहा है कि BEd वालों को प्राइमरी टीचर जो है ना बनने दिया जाए, यानी कि टेट, सुपर टेट जो है केवल और केवल DLED यानी कि BTC वालों को ही देने दिया जाए और इससे जो है BEd वालों को बाहर कर दिया जाए। तो अभी जो है ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आप लोगों को ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है किस में आता है, BEd में आता है कि DLED यानी कि BTC में आता है। आप लोगों को बता दें कि BEd में जो है मिनिमम वैकेंसी आती है, और वहीं अगर DLED या BTC की बात किया जाए तो इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी की जो संख्या होती है ये BEd की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ये भी बता दें कि प्राइमरी टीचर और जूनियर टीचर को छोड़कर जो है BEd में ये जो आप लोगों को TGT, PGT या LT ग्रेड या NBS या KBS की जो आप लोगों को वैकेंसी दिख रही है, इसमें जो है लगभग 150 या 1500 या 2000 से ज़्यादा सीटें नहीं आती है। लेकिन अगर यहीं DLED या BTC की बात किया जाए तो इसमें जब भी वैकेंसी आती है ये 10,000 के ऊपर ही इसमें वैकेंसी आती है। तो इसमें जो है जॉब पाने के आप लोगों के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इसमें जब भी जो है नंबर ऑफ वैकेंसी आती है तो ये 10,000 के ऊपर ही आएगा, 70,000 आता है, 65,000 आता है, 30,000 आता है। तो इसी प्रकार से जो है BEd की तुलना में DLED में अगर जॉब की तुलना में देखा जाए तो इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है इसमें जॉब की जो पॉसिबिलिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। जो है आप लोगों को ये भी बता दें कि किसके लिए BEd है और किसके लिए जो है DLED यानी कि BTC है, यानी कि किस स्टूडेंट को जो है BEd करना चाहिए और किसे जो है DLED यानी कि BTC करना चाहिए। अगर आप लोगों का जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि अगर आप लोग जो है पढ़ने में बेहतर है, या अगर आप लोग आगे कुछ करना चाहते हैं, या साथ ही साथ जो है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, जैसे कि अगर आप लोग हिंदी पढ़े हैं तो आप लोग संस्कृत लिए हुए हैं, या आप लोग पॉलिटी पढ़े हैं तो आप लोग हिस्ट्री लिए हैं, तो अगर इस तरह का जो है कुछ भी सिचुएशन है तो आप लोग जो है BEd के लिए जाइए। अगर आप लोगों का जो है नॉन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप लोग जो है DLED यानी कि BTC की तरफ जाइए। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ये भी क्लियर कर दें कि DLED जो है क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि जैसे कि अगर आप लोग BTEC किए हैं या BCOM किए हैं, तो अगर जो है आप लोगों को BTEC या BCOM में जॉब नहीं मिलता है तो इन सब स्टूडेंट के लिए जो है लास्ट ऑप्शन BTC ही अच्छा होता है, इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है, इसीलिए जो है ये सब स्टूडेंट भागकर DLED या BTC में जाते हैं। तो यहाँ पर जो है लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दें कि BEd से जो है आप लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी, या अच्छे रैंक या अच्छे पोस्ट वाली जॉब जो है आप लोगों को BEd करने से ही मिलेगी। लेकिन यहीं अगर DLED या BTC की बात किया जाए तो BEd की तुलना में जो है DLED या BTC में आप लोगों को जल्दी जॉब मिलेगी। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को फ्यूचर में अच्छी जॉब चाहिए या अच्छे रैंक या अच्छे पोस्ट वाली जॉब चाहिए तो आप लोग BEd कीजिए, लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी जॉब चाहिए तब जो है आप लोग DLED कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है BEd और DLED यानी कि BTC में कंप्लीट जानकारी हो गया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, आई होप आप लोगों का जो है हर एक डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि BEd और BTC में क्या फ़र्क है।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।